गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आंगन पब्लिक स्कूल। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ एट योर होम्स। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न जीके, जनरल नॉलेज। ओके, मोस्टली वी हैव डन अवर सिलेबस राइट, सो वी आर going to start our revisions lectures. Okay, now see, this is your GK workbooks. Today we will solve the paper number 2. Okay, so take out your page number 48. See, this is your page number 48. In this page, first number question mein dekhiye. अगेंस्ट ईच वर्ड राइट द राइमिंग्स वर्ड विद द डिफरेंट मीनिंग एंड स्पेलिंग। आपको यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हैं, उसके राइमिंग वर्ड्स आपको लिखना है डिफरेंट मीनिंग के साथ दिए गए, ठीक है? तो आपको उसको मैच करना है, कौन सा वर्ड का कौन सा राइमिंग वर्ड है, ध्यान आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है? तो देखिए, सी, फर्स्ट नंबर डियर, तो डियर का आपका राइमिंग वर्ड होगा डियर। ओके, डियर मतलब प्रिय, और यहाँ पर होगा आपका डियर का मतलब हिरण। ओके, नेक्स्ट देखिए वीक, ये है आपका वीक, संडे मंडे नेम्स का वीक राइट, बट ये है वीक, ये आपका राइमिंग वर्ड होगा कमजोर राइट। हेयर, हेयर का होगा एयर। फोर में देखिए हेयर, हेयर का राइमिंग वर्ड है हेयर, एच ए आर ई हेयर। फिफ्थ में देखिए राइट, और इसका राइमिंग वर्ड होगा आर आई जी एस टी, राइट, ठीक है? ये मतलब सही हुआ, ये राइट मतलब लिखना है, ठीक है? नेक्स्ट देखिए सिक्स नंबर में स्टिल, यहाँ पर आपका राइमिंग वर्ड होगा एस टी ई एल, स्टिल, ठीक है? सेवन में देखिए एच ओ एल ई, होल, और यहाँ पर आएगा डब्ल्यू एच ओ एल ई, होल। ओके, सी ओ टी, कॉट, बट यहाँ पर हम लिखेंगे सी ए ए यू जी एस टी, कॉट, पकड़ना। ओके, ये कॉट मतलब हाउका का बैड लाइक, ठीक है? सेल, बोट सेल करती है ना रिवर पर, ये वो वाला सेल है, बट यहाँ पर हम राइमिंग वर्ड में लिखेंगे एस एल ई, सेल, सेल करने वाला, ठीक है? नो, टेन नंबर में नो, तो उसका राइमिंग वर्ड है एनो, नो, नो। एस ओ एन, सन, एस यू एन, सन। ट्वेल्व में देखिए चेक, और इसका आपका राइमिंग वर्ड होगा सी एच ई क्यू यू ई, चेक। नाउ बी नंबर में देखिए गिवन बिलो आर द पिक्चर ऑफ फोर एशियंट वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, राइट द नेम ऑफ ईच ऑफ द बिलो इट्स पिक्चर, चूज योर आंसर फ्रॉम द बॉक्सिस। यहाँ पर आपको कुछ एशियंट पुराने चीज़ें जो होती है ना, इमारतें, उसके आपके पिक्चर्स दिए गए हैं, आपको देखना है, यहाँ पर ऑप्शन भी है, उसमें से मैच करके आपको लिखना है कौन सा पिक्चर है। ओके, तो देखिए फर्स्ट नंबर, ये आपको पिरामिड शेप का दिख रहा है राइट, सो ये किसका पिक्चर है, द पिरामिड एट गीजा, ये कहाँ पर आया हुआ है, गीजा में। नेक्स्ट पिक्चर देखिए, हैंगिंग गार्डन एट द बेबीलोन, ये देखो गार्डन ही गार्डन आपको दिख रहा है, ग्रीन ग्रीन है सब जगह, ठीक है? तो ये हैंगिंग गार्डन है, कहाँ पर आया है, बेबीलोन में। नेक्स्ट थर्ड देखिए, नेक्स्ट पेज देखिए 49 पेज नंबर, में थर्ड नंबर देखेंगे हम द टेम्पल ऑफ गॉडेस देवी, ये देवी का मंदिर है डियाना एट्टूर की, जहाँ कहाँ पर आया है बेटा, तुर्की में। ओके, नेक्स्ट फोर नंबर में देखिए द टॉम ऑफ मोजुलस एट टूर्के, ये हमारा किसका पिक्चर है, टॉम का पिक्चर, समाधि का पिक्चर, ठीक है? ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर टू में देखेंगे हम ए नंबर, लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर एंड राइट द करेक्ट नेम अंडर ईच पिक्चर, चूज योर आंसर फ्रॉम द वर्ड गिवन एट लेफ्ट साइड ऑफ द पिक्चर्स। यहाँ पर देखिए आपको लेफ्ट साइड कुछ नेम दिए गए हैं, दो नेम, और यहाँ पर पिक्चर्स हैं, आपको चूज करना है कि ये पिक्चर के नेम क्या हैं। ओके, सो फर्स्ट पिक्चर में हम देखेंगे ये किसका पिक्चर है, कर्नल का, कॉलोनियल नहीं, कर्नल। ओके, कर्नल लिखेंगे, और सेकंड है पिक्चर कॉलोनियल, राइट इट डाउन, कॉलोनियल। नाउ यहाँ पर देखिए नेक्स्ट नंबर में देखेंगे, थर्ड में देखिए आपको दिया है पी ए एल ई पेल, पी ए आई एल पेल, तो यहाँ पे लिखेंगे पेल फेस, और यहाँ पर आप लिखेंगे पेल ऑफ वाटर, ठीक है? बहुत सारा वाटर, एंड यहाँ पर पेल फेस है, ठीक है? नेक्स्ट देखेंगे पीस,
और ये पीस, यहाँ पे देखो आपको टुकड़ा दिया हुआ है, इस टुकड़े को हम स्पेलिंग क्या लिखते हैं, PIECE, पीस ऑफ ब्रेड, ठीक है, ब्रेड का पीसीस है। और यहाँ देखिए सिंबल ऑफ पीसीस, यानी ये शांति का पीसीस है, ठीक है, ये वर्ड्स PEAC, पीस। सो राइट इट डाउन, ओके। नाउ नेक्स्ट देखिए पेज नंबर 50, ओके। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन बी में आपको क्या करना है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट टू ऑप्शन आर गिवन, पुट अ टिक मार्क्स इन द बॉक्स फॉर द करेक्ट आंसर। आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए हैं, क्वेश्चन पूछे गए, उसके आपको आंसर टिक करना है जो भी करेक्ट आंसर हो, ठीक है। सो लेट्स वी स्टार्ट फर्स्ट नंबर, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ USA, ओके, जॉर्ज वॉशिंगटन या अब्राहम लिंकन। यस आंसर इज ए, जॉर्ज वॉशिंगटन। सेकेंड में देखिए द फर्स्ट वुमेन टू बिकम अ प्राइम मिनिस्टर, कौन सी फर्स्ट वुमेन थी जिसे प्राइम मिनिस्टर बनना था, श्री मावो बंद्रान के और बेनाजीर भुट्टो, तो आएगा श्री मावो बंदार के, ठीक है, बंदार ने के। थर्ड में देखिए द फर्स्ट मैन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, कौन सा फर्स्ट मैन था जिसे माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडमंड हिलारी, तो आंसर इज बी, एडमंड हिलारी। नेक्स्ट देखिए फोर नंबर, द फर्स्ट स्पेस ट्रैवलर कौन था, यूरी गेगारिन और नील आर्मस्ट्रॉन्ग, तो यूरी गेगारिन, आंसर इज ए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3A, फिल इन द ब्लैंक्स, चूज योर आंसर फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो। यहाँ पर कुछ ऑप्शन है, आपको आंसर देना है, ठीक है, दिस एक्सरसाइज ऑल्सो वी हैव डन, राइट। सो सी फर्स्ट नंबर, मिलेट मेज व्हीट राइस, ये किसके नेम है, ग्रेन्स के, सो राइट इट हियर, ग्रेन्स। हिंदुज़म, इस्लाम, क्रिश्चियन एंड ज़ोरोएस्ट्रियनिज़म्स, ये किसके नाम से बेटा, रिलीजियंस के, तो यहाँ पे लिखे रिलीजियस। थर्ड नंबर, हिंदी, मराठी, पंजाबी एंड गुजराती, तो दीज आर लैंग्वेजेस नेम, ये क्या है, लैंग्वेजेस के नेम है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे लैंग्वेजेस। नेक्स्ट फोर नंबर देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ओके, दीज आर सम गैसेस नेम, तो यहाँ पर आप लिखेंगे गैसेस। फिफ्थ नंबर इज कॉपर, ब्रॉन्ज, आयरन एंड गोल्ड, ये सब क्या है, मेटल्स के नेम है, तो यहाँ लिखेंगे मेटल्स। नाउ बी नंबर में देखें, फिल इन द ब्लैंक्स, 280 को 7 से आपको डिवाइड करना है, 280 डिवाइड बाय 7, तो 7 फोर ज़ा 28, माइनस करेंगे 0, 0, और यहाँ पर जब आपने 0 लिखा तो यहाँ पर भी लिखेंगे 0, तो 40 आपका आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट बी नंबर देखिए, 30 को 5 से डिवाइड करना है, तो 5 6 30, सो राइट इट हियर 6। नाउ 444 को आपको डिवाइड करना है 4 से, 440 और को 4 से, 4 1 4, राइट इट हियर 4 0, डाउन करेंगे 4 1 4 0, डाउन करें 4 1 4 0, सो आंसर इज क्या आएगा आपका, 111, ओके, सो राइट इट हियर 111। 90 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 90, 91 90, राइट इट डाउन 90। अब 500 में 0 प्लस करोगे तो क्या आएगा, आंसर विल बी 500। नाउ नेक्स्ट पेज 51, पेज नंबर, ओके। नाउ सी हियर, अरेंज दिस ग्रुप ऑफ वर्ड इन दिस असेंडिंग ऑर्डर, आपको यहाँ पर ग्रुप्स दिए हैं कुछ, उसे आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करा, असेंडिंग मीन्स आपको स्मॉलर से लार्जर में जाना है, ठीक है। फर्स्ट नंबर देखिए, एडल्ट, चाइल्ड, बेबी, यूथ एंड इन्फेंट। अब इन्फेंट लिखेंगे पहले, जब हम मम्मी के पेट में होते हैं, स्टमक में, तब हम उसे क्या कहा जाता है, इन्फेंट, देन वो बेबी कहलाता है, फिर चाइल्ड, यूथ एंड एडल्ट, तो इसे अरेंज करके लिखिए यहाँ पर। नाउ नेक्स्ट नंबर देखिए, सेकेंड नंबर, कंट्री, विलेज, कंटिनेंट, टाउन एंड वर्ल्ड, तो फर्स्ट आपका आएगा विलेज, सबसे स्मॉलर है, देन टाउन, फिर आती कंट्री, फिर कंटिनेंट उससे भी बड़ा होता है, एंड वर्ल्ड इज द लार्जेस्ट, ठीक है, वर्ल्ड सबसे ही बड़ा है। नाउ थर्ड में देखिए, क्रीम, घी, मिल्क एंड बटर, तो फर्स्ट मिल्क होता है, देन क्रीम बनती है, फिर उसमें से बटर बनता है, देन लास्ट में क्या बनता है आपका, घी, तो ये सीक्वेंस को लिख लीजिए। नाउ फोर नंबर, फ्लोर, डव, लॉफ एंड वीट, तो पहले हम लिखेंगे वीट, देन फिर हम उसे फ्लोर में कन्वर्ट करते हैं, देन डफ बनाते हैं, एंड लास्ट वन इज अ लॉफ।
नाउ फिफ्थ नंबर, ट्विग, लीव्स, ब्रांच, फॉरेस्ट एंड ट्री। तो देखिए पहले क्या होता है, लीव्स, लीव्स कहाँ होंगे, ट्विग में, ट्विग कहाँ होती है, ब्रांच में, ब्रांच कहाँ होगा, ट्री में, एंड ट्री कहाँ होते हैं, इन द फॉरेस्ट। तो इस सीक्वेंस को भी लिख लीजिए एवरीवन, चलो राइट इट डाउन। ओके नाउ नेक्स्ट नंबर देखिए बी, लास्ट क्वेश्चन, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन थ्री ऑप्शंस आर गिवन, पुट अ टिक मार्क इन द बॉक्सेस फॉर द करेक्ट आंसर। यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, उसके एमसीक्यू ऑप्शन भी दिया, आपको टिक मार्क करना है जो भी करेक्ट आंसर। ओके सो फर्स्ट नंबर देखिए, विच इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लानेट, फिफ्थ लार्जेस्ट प्लानेट क्या है, मार्स, अर्थ और मर्क्यूरी। तो आंसर इज बी, अर्थ। सेकेंड, विच वेजिटेबल हैज आइज, कौन सी वेजिटेबल की आइज होती है, कैबेज, बीटरूट और पोटेटो। आंसर इज सी, पोटेटो, पोटेटो पर टिक कीजिए। थर्ड देखिए, विच फ्रूट गिव्स इट्स नेम टू अ कलर, कौन सा फ्रूट है जो नेम देता है आपको कलर का, ऑरेंज, एप्पल और बनाना। एप्पल और बनाना तो नहीं होगा ऑफकोर्स, तो क्या आएगा, ऑरेंज, ऑरेंज हमारे पास कलर भी होता है, राइट। सो आंसर इज ए। नेक्स्ट देखिए, हु इज कॉल्ड द लाइट ऑफ एशिया, लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, वर्धमान महावीर, गौतम बुद्ध और लॉर्ड ऑफ कृष्णा। तो बी आंसर, गौतम बुद्ध। नाउ देखिए लास्ट क्वेश्चन, हु वियर्स अ ब्लैक बेल्ट इन जूडो, ब्लैक बेल्ट कौन पहनता है जूडो में, लर्नर, एक्सपर्ट और रेफरी। ऑफकोर्स एक्सपर्ट, तो आंसर लिखेंगे हम बी, एक्सपर्ट। नाउ आपका होमवर्क है पेज नंबर सी, आपको होमवर्क में क्या करना है, नाउ आवर लेक्चर स्टॉप योर, आपको होमवर्क में आपको ये याद करना है, पेज नंबर, चैप्टर नंबर 30, पेज नंबर 41 एंड 42। इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल आस्क दिस क्वेश्चन, राइट। सो यू हैव टू प्रिपेयर वेल एंड यू हैव टू लर्न प्रॉपरली। सो गुड बाय, हैव अ नाइस डे।